कोतवाली पुलिस ने बांछित चल रहे 10,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सीएफ सिटी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। थाना कोतवाली में क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह के साथ कोतवाली पुलिस की अपरक्षा में मौजूद इस अभियुक्त का नाम अजीत कुमार पुत्र जगदीश यादव निवासी नगला धर्म थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद है। इस पर 10,000 का इनाम घोषित था। गैंगस्टर एक्ट में लगातार पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने इसको मुखबिर की सूचना पर सिरसागंज के पैट गाँव से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। अभियुक्त बीते 2 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पुलिस के साथ आंख में चोली खेल रहा था। अभियुक्त के खिलाफ थाना कोतवाली पर 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें यह गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप ही सुनिए। इनामिया पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? 10,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त जो है अजीत कुमार पुत्र जगदीश, जो निवासी नगला धर्म सिरसागंज फिरोजाबाद का रहने वाला है, आज कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 3 धाराएं पहले से अभियुक्त हैं, जो आर्म्स एक्ट की हैं और एक्साइज एक्ट की हैं, और इसके साथ साथ इस पर गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज है, जो आज पकड़ा गया है।